हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर, जिसका नाम है फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। सो स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो स्टूडेंट, ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, हम इसमें 6.1, 6.3 और 6.4 करेंगे। सो स्टूडेंट, 6.2 आपके सिलेबस से रिमूव हो चुकी है, हम उसको नहीं करेंगे। 6.1 लीडरशिप क्वालिटी एंड रोल ऑफ लीडर, 6.3 मीनिंग ऑब्जेक्टिव एंड टाइप ऑफ एडवेंचर, स्पोर्ट रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, सर्फिंग एंड पैराग्लाइडिंग, 6.4 सेफ्टी मेजर टू प्रिवेंट स्पोर्ट इंजरी इन एडवेंचर स्पोर्ट। तो ये तीनों टॉपिक हम करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में 6.1 वाले टॉपिक को कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम देखेंगे इस चैप्टर का मीनिंग। सबसे पहले वर्ड आता है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ बॉडी दैट यूजेस एनर्जी। हमारी बॉडी मूवमेंट करती है और मूवमेंट करने के साथ साथ वो हमारी बॉडी की एनर्जी भी यूज करती है, उसी को हम फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार की मूवमेंट जिसमें एनर्जी का इस्तेमाल होता है उसको फिजिकल एक्टिविटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, डांसिंग, योगा एक्सरसाइज एक्सेट्रा। इसी के साथ स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिजिकल एजुकेशन कवर एक्सरसाइज। तो ये जो छोटा वाला कॉलम है ये एक्सरसाइज को डिनोट कर रहा है, एंड ये जो बड़ा वाला सर्कल है वो फिजिकल एजुकेशन को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर ही एक्सरसाइज आ जाती है। नेक्स्ट टर्म है आपकी लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन टू लीड अदर इन वेरियस फैक्ट्स ऑफ लाइफ। सो स्टूडेंट, लीडरशिप का मतलब होता है इसमें एक पर्सन दूसरे लोगों को लीड करता है। चलिए इसको और डिटेल में देख लेते हैं। लीडरशिप क्वालिटी एंड रोल ऑफ लीडर। लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल विच इन्फ्लुएंस पीपल एंड गाइड्स ग्रुप फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट। तो स्टूडेंट, इसमें बता रखा है इसमें एक इंडिविजुअल जो है वो इन्फ्लुएंस करता है लोगों को और गाइड करता है ग्रुप के लोगों को अलग अलग एस्पेक्ट को लेके। सो स्टूडेंट, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी। आपने चक दे इंडिया देखी होगी, जिसमें शाहरुख खान अपनी टीम को एक सीक्वेंस बताते हैं कि जो हॉकी की बॉल है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे जाएगी और किसने किसको पास करना है। तो ये एक लीडरशिप की क्वालिटी है, वो लोगों को समझा रहा है कि किस तरीके से आपको गेम को खेलना है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी बातों से, लोग उसकी बात सुनते भी हैं, वो टीम को लीड कर रहा है। सो इसी को लीडरशिप कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। सो स्टूडेंट, आपको एक और डेफिनेशन दे रखी है जो कि दी गई है जॉर्ज आर टेरी द्वारा, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और भी डेफिनेशन प्रोवाइड करा देती हूँ। सो स्टूडेंट, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है लीडरशिप को लेके, आप देख सकते हैं, आप यहाँ से इनको पढ़ लीजिएगा। सो स्टूडेंट, एक बार समराइज कर लेते हैं फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग को। सो फिजिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसमें बॉडी की मूवमेंट होती है और हमारी बॉडी कुछ एनर्जी यूज करती है, उसी को हम फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल दे देते हैं, भागना, चढ़ना, कूदना, एक्सरसाइज करना, डांस करना, ये सारी गतिविधियां जो है फिजिकल एक्टिविटी में आ जाती हैं। लीडरशिप में एक इंसान जो है वो अलग अलग लोगों को लीड करता है रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट, एंड उसकी बातें जो है वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। सो स्टूडेंट, हम समझने वाले हैं लीडर की क्वालिटीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, लीडरशिप की स्पेलिंग में ही उसकी क्वालिटीज छुपी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, एल फॉर लॉयल, ई फॉर एंथुजियाज्म, ए फॉर अलर्ट, डी फॉर डिसिप्लिन, ई फॉर एनर्जेटिक, आर फॉर रिलायबल, एस फॉर सेक्रीफाइस, एच फॉर ऑनेस्ट, आई फॉर इंटेलिजेंट, पी फॉर पेशेंस। तो चलिए स्टूडेंट, इन सभी क्वालिटी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का बेसिकली मतलब है कि एक इंसान काफी ज्यादा एनर्जेटिक होना चाहिए, वही एक लीडर बनने के काबिल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान है जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू डट के नहीं रख पाता है, उसकी एनर्जी काफी लो रहती है, तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, क्या होगा ना, उससे जो उसके टीममेट्स हैं वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएंगे। लेकिन वही चीज अगर वो एनर्जी के साथ बोलता है
कि आप ही कर सकते हो और आपको ऐसे करना है तो आपको जीत मिलेगी ही मिलेगी, तो लोग ना उस पर बिलीव करेंगे, उसकी एनर्जी को ना एक पॉजिटिव वे में लेंगे। एंड अगर स्टूडेंट वो काफी डिजायरस पर्सन है तो डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पर दो चीजें आपने लिखनी है, सो स्टूडेंट ही शुड बी एनर्जेटिक एंड एक्टिव, डिजायरस एंड पावरफुल। सो इसमें मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपने संदीप महेश्वरी की वीडियोज देखी होंगी, उनके अंदर कितनी एनर्जी होती है एंड वो कितनी स्ट्रांगली बोल रहे होते हैं और कितना क्लियरली अपनी बात को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उनकी एनर्जी को देख के ना लोग भी बूस्टअप होने लग जाते हैं, हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। यही चीज होती है, एक लीडर के अंदर एनर्जी का होना बहुत जरूरी है, तभी वो सामने वाले पर्सन को, अपने टीममेट्स को और ज्यादा अपने ऊपर विश्वास करा पाएगा और वो खुद में भी विश्वास करेंगे और बेहतर प्रदर्शन देंगे। नेक्स्ट, अलर्ट। सो स्टूडेंट, एक लीडर जो है वो काफी ज्यादा क्रिएटिव होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए और स्किलफुल होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो वो इस तरीके से सॉल्व होगी। सो स्टूडेंट, लीडर को काफी ज्यादा अलर्ट होना चाहिए, उसको सामने वाली टीम की वीकनेसेस, उसकी स्ट्रेंथ, हर चीज का पता होना चाहिए। अगर कोई मुश्किल से मुश्किल कंडीशन भी आ जाती है तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर का काम करे, ऐसा नहीं कि अपने टीममेट पे ही चिल्ला रहे और शोर कर रहे हैं उनके ऊपर, काफी कामली उस प्रॉब्लम के साथ डील करे, काफी क्रिएटिव पर्सन हो और काफी अलर्ट हो कि इधर उधर क्या चल रहा है उसको सब पता हो। एक एग्जांपल से समझाती हूँ, चक दे इंडिया मूवी जो है उसमें शाहरुख खान का जब पहला मैच होता है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, शाहरुख खान अपोजिट टीम के कोच को वॉच करते हैं कि जब गेम चल रहा होता है, गेम के दौरान उनके पास जो है हेल्प करने के लिए ऊपर से उन्हें चार्ट भेज दिया जाता है कि किस तरीके से उन्होंने अपने प्लेयर की सेटिंग कर रखी है, और ऑस्ट्रेलिया टीम का जो लीडर है वो अपने प्लेयर्स को हेल्प करता है। सो इससे हम ये समझे कि जो शाहरुख खान है एज अ लीडर वो कितना अलर्ट है कि सामने वाला इंसान क्या स्टेप ले रहा है और हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, डिसिप्लिन। सो स्टूडेंट, एक लीडर जो है वो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, उसको देख के उसके टीममेट्स उसको फॉलो करते हैं। अगर लीडर खुद भी डिसिप्लिन नहीं है तो जो उसके टीममेट्स हैं वो उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। सो स्टूडेंट, एक लीडर को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, उसको गेम में कभी भी अपना कंट्रोल लूज नहीं करना है, कभी किसी को गालियां नहीं देनी है, अपनी टीम को हमेशा एक ऑर्गेनाइज मैनर में रखना है, अपनी टीम के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना है कि देखो अगर मैं डिसिप्लिन रह सकता हूँ तो तुम भी रह सकते हो। अगेन मैं इसमें भी एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, चक दे इंडिया में जो लड़की आती है वो अपना कंट्रोल लूज कर देती है बार बार, सो एज अ लीडर शाहरुख खान उसे गाइड करते हैं कि तुम्हें डिसिप्लिन में रहना है और तुम्हें अपने एंगर पे कंट्रोल करना है, तुम्हारी वजह से पूरी टीम पे इफेक्ट पड़ता है। सो अ लीडर शुड बी डिसिप्लिन, रिलायबल। सो स्टूडेंट, जो लीडर है वो काफी ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, उसकी टीम लीडर पे विश्वास करती हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लीडर है बट उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल एम एस धोनी जो है उनपे उनकी पूरी टीम ट्रस्ट करती थी, उन्हें विश्वास था कि हम कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाए जो हमारा कैप्टन है वो हमारे अंदर फेथ नहीं छोड़ेगा और हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेहतर प्रदर्शन के लिए इंकरेज करता रहेगा। ऑनेस्ट, मोरालिटी एंड लॉयल्टी आर सिग्निफिकेंट क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। सो स्टूडेंट, मोरालिटी और लॉयल्टी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक लीडर की। एक लीडर को अपनी टीम के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए एंड ग्रुप की राय को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उनको भी वैल्यू करना चाहिए। इंटेलिजेंट। सो स्टूडेंट, लीडर को दिमाग से सोचना बहुत जरूरी है, उसको क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए, जल्दी से डिसीजन ले, लेकिन डिसीजन ऑन टाइम होने चाहिए और मोस्टली करेक्ट होने चाहिए, और वो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को भी समझ ले, प्रिडिक्ट कर ले कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो सकता है, अपनी रुकावटों को जान ले। इसी के साथ साथ वो काफी लॉजिकल होना चाहिए एंड सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल करना उसको आता हो। सो यही कुछ क्वालिटीज है इंटेलिजेंट लीडर की, क्विक डिसीजन मेकर, डिसीजन ऑन टाइम, प्रिडिक्ट बैरियर, लॉजिकली हैंडल द सिचुएशन। नेक्स्ट, पेशेंस। एक लीडर के अंदर पेशेंस का होना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि सामने वाली टीम ने अगर हमें इंजर्ड कर दिया है तो हम उनका सर फोड़ दे जाके कि ऐसे कैसे मार दिया तुमने, वो बिल्कुल भी एक गुड लीडर की क्वालिटी नहीं है। अब इसमें मैं एग्जांपल दूंगी, टीम खेल रही होती है इंडिया तो कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं एंड उसको MS धोनी कितनी कामली हैंडल करते हैं बहुत पेशेंस के साथ, तो ये चीज एक लीडर की बहुत जरूरी है कि वो अपनी टीम को मैनेज करके चले। अगर उनकी टीम गलत जा रही है तो लीडर बोले कि ऐसा मत करो, इससे पूरी टीम को नुकसान हो सकता है, और अपनी टीम को हैंडल करे और उनकी टीम उनको सुने। तो यहाँ पर पेशेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक अच्छी टीम के लिए भी, एक अच्छे स्पोर्ट के लिए भी
एक अच्छे स्पोर्ट पर्सन के लिए भी। सो स्टूडेंट, लीडर की दो इम्पोर्टेंट क्वालिटीज और है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लीडर है उसकी हेल्थ काफी अच्छी होनी चाहिए, वो काफी हेल्दी पर्सन होना चाहिए। ऐसा नहीं वो उसको कोई बीमारी है तो फिर वो लीडर का रोल काफी अच्छे से नहीं निभा पाएगा। नेक्स्ट, गुड कम्युनिकेटर। एक लीडर अपनी बात को काफी क्लियरिटी के साथ अपनी टीम के साथ शेयर करे। क्लियरिटी का होना बहुत जरूरी है। उसके अंदर एक स्किल होनी चाहिए कि वो जो अपनी बात बता रहा है वो काफी क्लियरली बताए, लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। तो यही पॉइंट है जो आपने करने हैं। आई होप आपको लीडरशिप की क्वालिटीज अच्छी लगी होंगी और समझ में आई होंगी। सो स्टूडेंट, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो थैंक यू गाइस।